नमस्कार दोस्तों, जब बात कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगवाने की आती है तो एक सवाल है जो शायद आप सबके मन में जरूर आया होगा, कौन सी वैक्सीन बेस्ट वैक्सीन है? अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो क्या आपको कोवैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर कोविशील्ड लगवानी चाहिए, या फिर आपको उस रशियन या फिर यूएस में बनी फाइजर वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए? इनमें से कौन सी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स सबसे कम है? तो आपके जो भी सवाल और डाउट्स हैं वैक्सीन को लेकर मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा। इस वीडियो में मैंने इंटरव्यू लिया है फेमस वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग। शुरुआत करते हैं साइड इफेक्ट्स के सवाल से। किस टाइप के साइड इफेक्ट सबसे कॉमनली देखने को मिलते हैं? जब हम कोई भी इंजेक्शन लेते हैं तो जहां पे इंजेक्शन दिया गया है वहां पे दर्द होती है, थोड़ी सी सूजन हो जाती है, ये लोकल साइड इफेक्ट्स कहते हैं। और दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स, और इनमें ऐसा होता है कि बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकती है, बहुत लोग थके हुए लगते हैं, ऐसा एक दो दिन के लिए रहता है, उसके बाद लोग ठीक हो जाते हैं। फाइजर और मोडर्ना की mRNA वैक्सीन्स में साइड इफेक्ट्स पहले डोज के साथ कम रहते हैं और दूसरे डोज के साथ ज्यादा रहते हैं। जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं फर्स्ट डोज के साथ और सेकेंड डोज के साथ कम होते हैं। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ रेयर साइड इफेक्ट सभी वैक्सीन्स के भी होते हैं। तो ये जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं ये कितने परसेंटेज लोगों में देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली? ये 10% से 35% लोगों में दिखाई देते हैं। एस्ट्राजेनेका के साथ कहा जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है बुखार का और हेडेक एक्सेट्रा, ये 3 लोगों में से एक को हो सकता है। ये जो बहुत बहुत रेयर लेकिन जानलेवा साइड इफेक्ट्स हैं कोविशील्ड वैक्सीन के, इनकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वीडियो को देख सकते हैं अगर इस पार्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो। लेकिन कोई ऐसा है कि अगर मुझे कोई पहले से प्रॉब्लम है तो इसके ज्यादा चांसेस हैं साइड इफेक्ट के? तो बहुत देखा है कि कोई रिस्क फैक्टर है, हमें पता चले कि इस व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट होगा, दूसरे को नहीं होगा, कुछ अभी तक ढूंढा नहीं है। इसे कहते हैं idiosyncratic, we don't know who it's going to affect, so there's no way of predicting, पर अब लग रहा है कि ये शायद क्लास इफेक्ट हो, मतलब कि जो भी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन्स हैं इनमें शायद दिखाई देगा। तो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के साथ भी ये देखा गया है। तो कोवैक्सीन में भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट है? अभी तक तो जानते नहीं है, पर करोड़ों लोगों को तो ये वैक्सीन अभी तक दी नहीं है तो हमें नहीं पता उसके बारे में कि फ्यूचर में निकल आए, हो सकता है पर ज्यादातर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सेफ रहती हैं। वैसे ये जो सारी वैक्सीन हैं दोस्तों, इनके काम करने के तरीके के बेसिस पर इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे कि हमारी कोवैक्सीन। एक वायरस को लैब में उगाया जाता है और इस वायरस को ट्रीट किया जाता है केमिकल से, जिससे ये इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये आपके लिए हार्मफुल नहीं रहता। और फिर इस वायरस को एज अ वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है, इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को। कोवैक्सीन के काम करने का तरीका यही है। दूसरी कैटेगरी है वायरल वेक्टर वैक्सीन, जो हमारी कोविशील्ड है और रशिया की स्पुटनिक है, दोनों इसी कैटेगरी में आती हैं। इसमें होता क्या है, कोविशील्ड का एग्जांपल लेते हैं। कोविशील्ड में एक चिंपांजी एडीनो वायरस लिया जाता है। एडीनो वायरस बस एक फैमिली ऑफ वायरसेस का नाम है। एक चिंपांजी वायरस लेकर उसका जेनेटिक कोड हटाया जाता है और उस जेनेटिक कोड की जगह SARS-CoV-2 वायरस का जेनेटिक कोड डाला जाता है। SARS-CoV-2 वही वायरस है जिससे COVID-19 होता है। तो एक चिंपांजी वायरस जिसके अंदर जेनेटिक कोड है SARS-CoV-2 वायरस का, ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर वैक्सीन की तरह काम करता है। इसे कहा जाता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। ऐसा क्यों? वेक्टर शब्द याद है आपको दोस्तों, मच्छरों को अक्सर वेक्टर कहा जाता है डेंगू और मलेरिया का, क्योंकि ये मच्छर इन डिजीजेस को कैरी करते हैं और हमें इन्फेक्ट करते हैं। सिमिलरली ये जो चिंपांजी वायरस है ये वेक्टर का काम कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, SARS-CoV-2 वायरस का जेनेटिक कोड हमारी बॉडी के अंदर डाल रहा है जिससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बिल्डअप कर पाए। रशिया की स्पुटनिक वैक्सीन भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन वहां पर चिंपांजी एडीनो वायरस की जगह इंसानों का ही एक एडीनो वायरस इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी वैक्सीन की, जो कि है mRNA वैक्सीन, जैसे कि फाइजर वैक्सीन और मोडर्ना वैक्सीन। ये एक फोटो है आपके सामने SARS-CoV-2 वायरस की, जिससे आपको COVID-19 होता है। ये जो बॉल सी शेप देख रहे हो, इसमें ये रेड रेड चीजें बाहर निकली हुई हैं। इन रेड रेड चीजों को कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन। इन स्पाइक प्रोटीन से mRNA लिया जाता है जिससे वैक्सीन बनती है।
अब आप सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए होता है, ऐसे ही वायरसेस के अंदर आरएनए होता है। और अगर आपने बायोलॉजी सही से पढ़ी है 11th 12th में, तो आपको पता होगा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए एक सिंगल स्टैंड होता है। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। तो इस स्पाइक प्रोटीन से एमआरएनए को निकाला जाता है और यह आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन की तरह काम करता है। तो बेसिकली ऐसा है कि एमआरएनए वैक्सीन्स, डीएनए वैक्सीन्स, वेक्टर वैक्सीन्स सभी ऐसे काम करती हैं कि मैसेज हमें सेल के अंदर पहुंचाना है, ये स्पाइक प्रोटीन ऐसे बनानी है। तो ये मैसेज पढ़ के सेल ये प्रोटीन बनाता है। तो इसके साथ सेल्यूलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों बनते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी वैक्सीन लूं अगर मेरे पास चॉइस है, तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड या फिर फाइजर का वेट करना चाहिए जब वो आएगी? फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन भारत में आएंगी नहीं, अगर आएंगी तो डोनेशन के रूट से आएंगी और वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो चॉइस हमारे पास नहीं। अगर चॉइस के बारे में सोचें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन अगस्त या सितंबर तक और कोई वैक्सीन नहीं होगी। वो रशिया वाली शायद गामलिया आएगी, पर गामलिया के डोजेस कितने सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी हमें अभी तक पता नहीं है। तो कितने डोजेस इंपोर्ट करेंगे, कितने डोजेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट्स कितना परचेज करेंगी, प्राइवेट सेक्टर में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं। अगर हम सोचें रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, कोवैक्सीन अगर लें तो दो डोजेस कोवैक्सीन के लेने होते हैं और वो दो डोजेस 4 हफ्ते अपार्ट लेने चाहिए। वैक्सीन का असर होगा 6 हफ्तों के बाद, पूरा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट और उसके बाद प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा। और अभी तक जो इंटरिम डेटा हमने देखा है ये कहता है कि 81% प्रोटेक्शन होगी। कोविशील्ड में इसका एक डोज लेने से कुछ 70% प्रोटेक्शन मिलती है, और अगर दूसरा डोज लेना है तो उसे अगर थोड़ा डिले कर सकें तो इसका असर ज्यादा रहता है। और ये हम जानते हैं क्योंकि यूके में बहुत सारी इम्यूनोजेनेसिटी स्टडीज की गई हैं, जहां पे बहुत ही डिटेल में इम्यून रिस्पॉन्स देखा गया है। तो कोविशील्ड में दोनों डोज लेने में टाइम लगता है क्योंकि इनका इंटरवल ज्यादा रहता है, पर एक डोज के साथ भी कुछ प्रोटेक्शन मिल जाता है। फर्स्ट डोज अभी तक कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज में हम जानते नहीं है क्योंकि देखा नहीं है, डेटा नहीं है। और कोविशील्ड का हमारे पास ये डेटा है कि एक ये वेरी रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन कोवैक्सीन के लिए हमें नहीं पता कि अभी तक कोई निकल के नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन ऑब्वियसली फिर लोगों को जो मिल रही है वो लेनी चाहिए। तो अगर हम सोचे कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, जो भी मिलती है वो लेनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में आएगा यहां पर वो ये है कि क्या बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए? ये जो 18 साल की एज लिमिट सेट कर रखी है, 17 साल 16 साल के टीनेजर्स का क्या होगा, और उससे भी छोटी एज पर जाएं तो 10 12 साल के बच्चों का क्या, क्या उन्हें कोविड हो सकता है और क्या उन्हें वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आई थिंक अल्टीमेटली सभी को वैक्सीन लेनी होगी, बच्चों को भी लेनी होगी। अच्छा। पर अभी तक ऐसा हुआ है कि वैक्सीन का लाइसेंस 18 से ज्यादा या 16 साल से ज्यादा लोगों को के लिए किया गया है। फाइजर की वैक्सीन 16 एंड अबव के लिए है, दूसरी सारी वैक्सीन 18 एंड अबव के लिए है। अभी फाइजर और मोडर्ना बच्चों में वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं और ये अच्छी तरह से काम कर रही है। जो 12 साल से ज्यादा के लिए टेस्ट की गई है ये वैक्सीन ठीक से काम कर रही है। अब उन्होंने एज डिसेंडिंग स्टडीज की है और 2 साल और 6 महीने के बच्चों में भी ये वैक्सीन की इवैल्यूएशन होगी, अभी होगी, लेकिन उन्हें भी लेनी पड़ेगी इतनी छोटी एज के बच्चों को भी, न्यू बॉर्न बेबीज को भी। न्यूबॉर्न्स को जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं कि लैक्टेटिंग वुमेन हु आर इम्यूनाइज्ड और हु आर इन्फेक्टेड वो एंटीबॉडीज ट्रांसफर करती हैं। और अगर हम बात करें उन लोगों की जिनको डायबिटीज है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, क्या इन लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए? सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन नहीं लेने की एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर आपने पहला डोज लिया है और उस डोज के बाद कोई रिएक्शन हुई है तब दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। रिएक्शन कुड बी एनाफिलैक्सिस या क्लॉटिंग अगर हो गई या कुछ भी हो गया जो आप वैक्सीन के साथ रिलेट कर सकते हैं, तब इस वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन जनरल अगर लोगों को कोई और प्रॉब्लम है ये सारी, तो वैक्सीन लेने से ऐसा नहीं होगा कि और कोई साइड इफेक्ट आएंगे या उनके लिए बुरा होगा? नहीं। तो जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन लोगों
को आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है या कीमोथेरेपी हो गई है, सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिन लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि जिन लोगों का कीमोथेरेपी हुआ है, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स की ट्रीटमेंट चल रही है, उनमें बहुत ही केयरफुल होना होगा क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स सही नहीं रहेगा। अगर वैक्सीन ले लें तो कुछ प्रोटेक्शन होगी पर उनमें कम हो। ठीक है। और एक न्यूज़ फैली थी कि जिन जो औरतें मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही हैं उन्हें नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन, बिल्कुल लेनी चाहिए। और प्रेग्नेंट औरतों को। जब वैक्सीन्स पहले रिस्ट्रिक्टेड यूज, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के साथ लाइसेंस हुई थी, उस वक्त कहा गया था कि प्रेग्नेंट औरतों और जो दूध पिला रही हैं उनको वैक्सीन नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये वैक्सीन इनमें टेस्ट नहीं हुई है। अच्छा फिर उसके बाद सीडीसी के लोग थे, उन्होंने गाइडेंस दिया है कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपको डिस्कस करना चाहिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ और फिर देखना चाहिए अगर आप वैक्सीन लेना मांगते हैं या नहीं। और अच्छा आज हमारे पास डेटा है फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन के साथ, और एस्ट्राजेनेका का आएगा सून, कि ये वैक्सीन 35,000 प्रेग्नेंट वुमेन को दी गई हैं और अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। तो ठीक है, यानी वो भी ठीक है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लेना। जो डेटा अभी तक हमारे पास है कि जिन लेडीज ने ये वैक्सीन सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में लिया था उनकी डिलीवरीज हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया था अभी तक उनके बच्चे अभी तक नहीं पैदा हुए, अच्छा ट्रू। बट देयर इज नो रीजन टू वरी अबाउट दैट, हाँ, शुड बी ओके। और जो नया स्ट्रेन आ रहा है, इतने सारे नए स्ट्रेन आ रहे हैं कहीं साउथ अफ्रीका, यूके में, इंडिया में, तो क्या ये सारी वैक्सीन्स इन सारे नए स्ट्रेन के खिलाफ काम करेंगी? तो अभी तक जो हमने देखा है कि यूके स्ट्रेन बहुत ही ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन है पर सारी वैक्सीन्स काम कर रही हैं। जब ये वैक्सीन्स बहुत ब्रॉड स्केल पे इस्तेमाल होगी तब हमें पता चलेगा, पर अभी तक तो लग रहा है कि वैक्सीन्स काम कर रही हैं। इसराइल ठीक से है। डेटा आया है, इसराइल में फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है और फाइजर वैक्सीन के साथ एक डोज देने में प्रोटेक्शन नहीं रहती है, पर दो डोज देने के बाद, 2 हफ्ते बाद कोई साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की इन्फेक्शंस नहीं दिख रही हैं। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या होगा अगर हम सिर्फ एक ही डोज लें वैक्सीन की, दूसरी डोज मिल ही ना पाए क्योंकि इतनी शॉर्टेज हो रही है। तो इंतजार कीजिए। एक डोज से कितना फर्क पड़ता है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी बात मैंने इस पुराने वैक्सीन वाले वीडियो में भी करी थी। ये चार्ट आपको दिखाता है कि कितनी प्रोटेक्शन आपको मिलती है सिर्फ एक डोज लेने के बाद वैक्सीन के। फाइजर वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दोनों के लिए परसेंटेज अलग अलग है और टाइम के साथ साथ ये परसेंटेज बढ़ती रहती है। और तब क्या होगा अगर आपने पहला डोज लिया और फिर आपको इन्फेक्शन हो गया? तो अगर इन्फेक्शन हो गई है तो ये जानना जरूरी है कि ये वैक्सीन काम करती हैं। तो इन्फेक्शन हो जाए तो आपके सिम्टम्स ज्यादातर माइल्ड रहेंगे, या तो सिम्टम्स नहीं होंगे या सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे। फिर सेकेंड डोज का क्या होगा? लेकिन तो थोड़ा इंतजार करके सेकेंड डोज ले लीजिएगा। तो कोई अभी ऐसा तक सेट जो अमाउंट ऑफ टाइम डिस्कशन, है कि हमने रिकवर कर लिया और उसके बाद सेकेंड डोज लेनी चाहिए? हमारी सरकार कहती है कि 2 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लेना चाहिए, रिकवर करके 2 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लेना चाहिए। मेरी समझ में इंटरवल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कोवैक्सिन के लिए 4 हफ्ते इंतजार करना चाहिए और कोविशील्ड के लिए 8 हफ्ते, 8 से 12 हफ्ते इंतजार करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि अगर इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए तब ये गैप देना जरूरी है। अगर इन्फेक्शन हुई है और आपने वैक्सीन ले ली है, इट शुड हैव नो इफेक्ट। अगर आपने टेस्ट कराया है, आप पॉजिटिव हैं और आपकी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट है, तो थोड़ा इंतजार करके वैक्सीन लीजिएगा। 4 हफ्ते कम से कम इंतजार कीजिए, उसके बाद वैक्सीन ले लीजिएगा। WHO का रिकमेंडेशन है कि अगर शॉर्टेज है वैक्सीन की तो आप 6 महीने इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शन का राउंड आपको 6-7 महीने प्रोटेक्शन देता है, अबाउट 80% प्रोटेक्शन। अगर किसी को ऑलरेडी कोविड हो रखा है और वो रिकवर कर रखे हैं तो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी या फिर किसी ने जो वैक्सीन लिया उनकी ज्यादा अच्छी होगी? मेरी समझ में अगर इन्फेक्शन हुई है और वैक्सीन ली है देन दैट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, अच्छा। द कॉम्बिनेशन, एंड शायद आपको सेकेंड डोज की जरूरत भी ना पड़े, पर अभी तक ये हम नहीं जानते।
तो हम ये जानते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हुई है, आपने एंटीबॉडीज बनाई हैं, आपको वैक्सीन का पहला डोज दिया जाए तो थोड़ी सी बूस्टिंग होती है एंटीबॉडीज में, पर दूसरा डोज जब दिया जाता है तो और बूस्टिंग नहीं रहती है, एक प्लाटोइंग इफेक्ट हो जाता है। हाँ, और फिर वो दूसरा डोज यूजलेस है, लेकिन कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है उसका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके वैक्सीन्स को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर नहीं हुए आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं मेरी स्मार्टफोन ऐप पे लिखकर। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल प्ले ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वहां पर भी आपने सवाल पूछे थे इस वीडियो को बनाने से पहले जिनको मैंने इस वीडियो में इस्तेमाल किया। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, जब तक आपकी वैक्सीन लगवाने की बारी नहीं आती। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।